तो यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार से आप नए तरीके से छुट्टी अवकाश ले सकते हैं। पहले आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करें, उसमें मानव संपदा लिखें और सर्च कर दें। उसके बाद में वेबसाइट ओपन होगी, आप उस पर क्यों ले जाएं। पहली वेबसाइट जो आप देख पा रहे हैं https://ehrms.nic.in, इसको आप क्लिक कर दें, मानव संपदा जो लिखा हुआ है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर के आएगा। ये देखो पेज आ गया। पहले अलग तरीके से खुलता था, लेकिन अब ये अलग तरीके से खुलता है, क्योंकि यहाँ पर 20 स्टेट जो रजिस्टर्ड हैं, सभी को एक साथ एक वेबसाइट में किया गया है, एक बार वेबसाइट में लाया गया है। यहाँ पर स्टेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ फीचर, यहाँ सर्विस, यहाँ रिपोर्ट, यहाँ अबाउट HRMS, यहाँ पर न्यूज़ और इवेंट्स जो भी अपडेट होती हैं वो आती रहती है। यहाँ पर 20 राज्य जुड़े हुए हैं, 780 रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट हैं, और यहाँ पर 53,544 पब्लिश्ड ऑर्डर पड़े हुए हैं। और इसके साथ ही जो लगभग ये संख्या आप देख पा रहे हैं, रजिस्टर्ड एम्प्लॉय यहाँ पर काफ़ी संख्या में है। तो अब सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर कैसे अपने आप प्रदेश तक पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पर जो हम आपको रेड घेरा ये दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो अभी हम इसको आप क्लिक करते हैं, तो ये आपके स्टेट ओपन होकर के आ गए। हम यहाँ से उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे, तो ये उत्तर प्रदेश के पेज पर हमें लेकर के जाएगा। जो आप देख पा रहे होंगे, ये पेज है, और इसकी ये वेबसाइट जो रेड कलर से आप देख पा रहे हैं, HRMS उत्तर प्रदेश, इसको क्लिक करेंगे। अब जैसे ही ये वाला जो घेरा है, इसको आप क्लिक करेंगे, तुरंत आप उत्तर प्रदेश की जो मानव संपदा की वेबसाइट है, उस पर होम पेज पर आप पहुंच जाएंगे। अब यहां से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहां पर HRMS लॉगिन जो लिखा हुआ है यहां पर, ये वाला, उसे आप क्लिक, जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे, तो यहां से आपको डिपार्टमेंट, पहले हम बेसिक्स एजुकेशन सेलेक्ट कर देते हैं। यहां से आप यूज़र ID डाल दीजिएगा, जो आपकी मानव संपदा ID है उसको यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद मानव संपदा का पासवर्ड है उसको डालिएगा, और ये कैप्चर टेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं इसको यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। इतना काम करने के बाद में यहाँ पर लॉगिन कर दीजिएगा। तो हम इतना काम करते हैं और लॉगिन करके यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो ग्रीन जो लाइन है, इसमें लीव मॉड्यूल पर चले जाएंगे। जैसे इसको आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ से दो ऑप्शन, माई लीव और अदर लीव ओपन होगा। यहाँ से आपको माई लीव पर क्लिक करना है। माई लीव पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके सामने अप्लाई लीव, व्यू बैलेंस, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, कैंसिल लीव और लीव अर्ली ज्वाइनिंग और कैलेंडर, काफ़ी कुछ मतलब नीचे ओपन होगा, लेकिन यहाँ से हमें अप्लाई लीव पर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई लीव पर क्लिक करेंगे, ये पेज आपको भरना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर, यदि आप सहायक हैं तो आपको अपने हेड को सिलेक्ट करना है, और यदि आप हेड हैं तो आप BEO को रिपोर्टिंग ऑफिसर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब ये पॉइंट्स आपको कैसे भरना है, पूरी जानकारी हम लोग इसमें इस दौरान देखेंगे। तो पहले नंबर पर मैंने बता दिया, रिपोर्टिंग ऑफिसर आपको सिलेक्ट करना है, चयन करना है, और इसके बाद में क्या करना है उसको देखें। लीव टाइप यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, कौन सी किस प्रकार की लीव आप लेना चाहते हैं, ये से आप क्लिक करेंगे। और ये जो लीव प्रेफेक्स्ड डे, और सबसे पहले इसको देख ले, 7 नंबर लीव सफेक्स्ड डे, ये क्या होता है, जिस दिन आप लीव ले रहे हैं उससे पहले यदि छुट्टी है तो प्रेफेक्स्ड डे, उसके बाद यदि छुट्टी है तो आपकी सफेक्स्ड डे होगा। और ग्राउंड ऑन विच लीव अप्लाइड फॉर, इसको आप कुछ भी लिख दें, नो लिख के छोड़ दें, ये उसके लिए जैसे आप मेडिकल वगैरह पे बाहर जाते हैं अपने ग्राउंड को छोड़ करके, उस स्थिति में या कहाँ जाते हैं उसको आप लिख सकते हैं। स्टेशन लीव रिक्वायर्ड, नो, तो हम यहाँ पर कैजुअल लीव लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम नो ही रखेंगे। और एड्रेस ड्यूरिंग लीव स्टेशन लीव एक्वायर्ड, यदि यहाँ से आप कहीं जाते हैं तो उस जगह का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और रही बात अपलोड अटैचमेंट की, तो यहाँ पर मेडिकल मैटरनिटी इनके लिए डॉक्यूमेंट डालना आवश्यक है, लेकिन CLN कैजुअल लीव यदि आपको लेना है तो कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं, अब हम इसको पूरा भर के आपको दिखाते हैं और उसके बाद में सबमिट करेंगे। तो सीधे चलते हैं भरने, लीव कैजुअल लीव को हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से कैजुअल लीव हमारा सिलेक्ट हो गया। इसके बाद में छुट्टी हमें आज ही लेनी है, यानी कि 9 जुलाई से 9 जुलाई एक दिन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 नंबर पर एक दिन लिख करके आ गया, 3 और 4 पर वही डेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट होती है जिस दिन आप ले रहे हैं। इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद में लीव प्रेफिक्स डे, कोई प्रेफिक्स डे नहीं है, कल स्कूल खुला था तो यहाँ पर 0 हम लिख देंगे। और लीव सफिक्स डे, यानी कि कल भी विद्यालय खुलेगा तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। उसके बाद में ग्राउंड ऑन विच अप्लाइड फॉर, नो। स्टेशन लीव रिक्वायर्ड, नो। इसके बाद में एड्रेस ड्यूरिंग लीव, लीव के दौरान कोई एड्रेस जहाँ पर आप जाना चाहते हैं उसको आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ भी
लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। जो हम होम पर ही रहेंगे तो हम होम कर दे रहे हैं। इसके बाद में यहाँ से डॉक्यूमेंट कोई हम अपलोड नहीं कर रहे हैं, इसके बाद सीधे सबमिट करते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आर यू श्योर, कैंसिल और ओके, दो ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। तो यदि आपका सब सही है तो आप ओके कर दीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से हम ओके करते हैं, जैसे ही ओके करोगे वैसे ही आपके सामने एक फिर से पेज होगा, लीव अप्लाइड सक्सेसफुली, यहाँ से सक्सेसफुल हो गया, ओके यहाँ से कर देंगे। और ओके करने के बाद में अब आपका कार यहाँ पर आगे क्या होगा उसको देखते हैं। तो यहाँ से अब हम अपनी लीव को देखेंगे कि वास्तव में हुई लीव या नहीं। तो लीव मॉड्यूल को ओपन करेंगे, लीव मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद माई लीव पर जाएंगे। माई लीव को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका